hello everyone in this video we are going to see the relation between current density and drift speed so let's see so current density is denoted by capital j and drift speed is denoted by vd so we are going to see in this video the relation between j and vd so let's start so here i have made a conductor so this is a conductor in a shape of cylinder and i applied विद अपलाइड दिस कंडक्टर इन दिद द टर्मिनल ऑफ बैटरी सो देर वुड बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड सेट इन सो सपोज द डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन विच आर इन दिस कंडक्टर वुड बी इन दिस डायरेक्शन सो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस साइड में ड्रिफ्ट होना स्टार्ट होंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ अप्लाई हुई बैटरी लगाई है मैंने सो so, अभी सिलेंडर को देखते हैं इसका सपोज दिस इज द शेप ऑफ सिलेंडर और मान लेट इमेजिन दैट ये स, इसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया है सपोज दिस इज कैपिटल है, है ना? और इसकी कुछ लेंथ होगी सपोज बच्चों एल लेंथ मान लेते हैं इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है इसकी एल है ना सो राइट नाउ आई एम राइटिंग द लेंथ इन डिफरेंट फॉर्म इस लेंथ को मैं तो कुछ अलग तरीके से लिखूंगा बच्चों ध्यान देना है ना सपोज uh, कोई इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इस सरफेस पे है यहाँ से स्टार्ट हुआ मूव होना है ना ध्यान देना बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन फोर्स लगा वेलोसिटी हुई वेलोसिटी आई कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ये हमने डिराइव किया था ड्रिफ्ट स्पीड का एक्सप्रेशन है ना तो इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से वी डी स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट होंगे है ना तो सपोज अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है है ना तो लेंथ इतनी एल है स्पीड उसकी इतनी वी डी है उसको सपोज जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पूछने में सपोज डेल्टा टी टाइम लग रहा है

सो इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर था यहाँ से लेकर यहाँ पे पहुंचा इसके साथ बहुत सारे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी होगा वो आगे चल जाएगा सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव हो रहे हैं ना तो सब इस इलेक्ट्रॉन की बात करी थी मैंने अभी के लिए तो मैंने इस कंडक्टर की लेंथ लिख दी वी डी इंटू डेल्टा डी है ना चलो अब नहीं अब अब आगे देखते हैं इसको तो ये हमारा सिलेंडर हो गया तो इसकी वॉल्यूम क्यों हुई बच्चों ना ओवर वुड बी इट्स वॉल्यूम वॉल्यूम इज़ एरिया इन इट लेंथ तो इसकी जो वॉल्यूम हो जाएगी बच्चों वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इसकी सिलेंडर की वॉल्यूम हो जाएगी कि एरिया इनटू लेंथ लेंथ इज वी डी डेल्टा टी तो इसका वॉल्यूम होगा इतनी वॉल्यूम है इस कंडक्टर की जो भी सिलेंडर शेप का है है ना तो सपोज इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी जो होगी सपोज एक पर्टिकुलर सपोज ये रहा हमारा पर्टिकुलर कोई कोई सेक्शन एरिया होगा तो इस पर्टिकुलर वन यूनिट इसकी जो वॉल्यूम है इस पर्टिकुलर एक सिलेंडर है सॉलिड शेप है थ्री डायमेंशन शेप है तो कुछ यहाँ पे कुछ, आ, होगा है ना तो सपोज एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में इतनी सी वॉल्यूम में सपोज मान लेते हैं कि एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कितने बच्चों एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो एन जो है एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ध्यान देना फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम यानी इतने से यूनिट में अगर एन इलेक्ट्रॉन्स में मान रहा हूं तो ये जो सिलेंडर है अपना है ना कंडक्टर है इस पूरे कंडक्टर में अभी प्रेजेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बच्चों सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हो जाएंगे वॉल्यूम इन ये है आ, एक पर्टिकुलर वन यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन्स है तो इतनी वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन राइट नाउ प्रेजेंट इन दिस सिलेंडर इज एन इन ए वी डेल्टा टी ए वी डेल्टा टी तो ये जो ये जो क्वांटिटी आएगी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी इस सिलेंडर सिलेंडर में है अब देखना क्या होगा आगे तो हमने इस सिलेंडर में इलेक्ट्रॉन्स बता दी कि इसमें अभी इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है है ना इतने इलेक्ट्रॉन्स है तो उनमें चार्ज कितना होगा तो यानी अब मैं बता रहा हूँ इस सिलेंडर में अभी राइट नाउ चार्ज कितना है तो मुझे पता है एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टें टू द पावर माइनस नाइनटीन तो जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनका चार्ज कितना होगा इसमें वन पॉइंट सिक्स इंटू टू द पावर माइनस नाइन्टीन का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो चार्ज और वन पॉइंट इलेक्ट्रॉन का चार्ज को स्मॉल स्मॉली से इंडिकेट करते हैं पिछली वीडियो में भी देखा था हमने तो टोटल चार्ज टोटल चार्ज कितना होगा इसमें इस सिलेंडर इस के अंदर टोटल चार्ज तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों एन इत, इसकी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ए वी डी डेल्टा टी ये है इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है ई e, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या हो जाएगा ई e. तो इतने इतना चार्ज अभी इस सिलेंडर में प्रेजेंट है तो हमें चार्ज भी पता चल चुका है इस सिलेंडर में अभी इतना चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तो इतना जो भी चार्ज चार्ज है इस चार्ज को पूरा आगे शिफ्ट होने लगेगा तो इसको डेल्टा टी टाइम लगेगा यहाँ से इस पर्टिकुलर सरफेस से क्रॉस होने में है ना बच्चों तो इतना टाइम इसको लग रहा है तो मुझे पता है करंट जो होता है वो चार्ज पर्टिकुलर चार्ज क्रॉसिंग ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन पर्टिकुलर टाइम मुझे पता है आई होता है डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी करंट क्या होता है बच्चों करंट हमें पता है वो होता है डेल क्यू अपॉन डेल्टा टी तो हमें पता है चार्ज चार्ज इतना सारा चार्ज है इस सिलेंडर में इतना सारा चार्ज को मूव होने में कितना टाइम लगेगा बच्चों डेल्टा टी ही टाइम लगेगा ये फाइनल इलेक्ट्रॉन या आखिरी का इलेक्ट्रॉन है इतने भी सारे भीड़ जो जमी हुई इलेक्ट्रॉन्स की और आखिरी इलेक्ट्रॉन है जब सारे इलेक्ट्रॉन्स चल जाएंगे तो आखिरी में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको कितना टाइम लगेगा डेल्टा टी टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में यानी कि इतनी देर में इतना सारा चार्ज इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से क्रॉस हो चुका है तो करंट हमें पता है आई करंट दैट इज आई करंट क्या हो जाएगा टोट चार्ज कितना है हमारा चार्ज ये रहा इतनी क्वांटिटी लिखी हुई एंड एन ए बी डी डेल्टा टी और ई e. तो इतना चार्ज है पर इसको टाइम कितना लगा डेल्टा टी तो ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारा करंट आया है करंट कितना आया है बच्चों आई डेट इज एन ए वी डी ई तो ये हमारा करंट आ चुका है करंट हमें पता है क्या होता है चार्ज डेंसिटी अब आ जाते हैं करंट डेंसिटी पर आ जाते हैं करंट डेंसिटी हमें पता है, आ, क्या J तो है? जो J होता है, होती है I तो आई की वैल्यू हमें मिल चुकी है बस वैल्यू रखनी है और ए से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें फाइनल एक्सप्रेशन जो है हमारा करंट डेंसिटी का वो हमें मिल जाएगा तो डेट इज इज इक्वल्स टू आई हमारा जो है एंड ए वी डी ई अकॉन में ए तो यहाँ से एरिया से भी एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन है करंट डेंसिटी का जो रिलेशन है ड्रिफ्ट स्पीड के साथ वो है जे इक्वल्स टू एन ई वी डी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ट्वेल्थ बोर्ड में आता है ये इसका डेरिवेशन आ जाता है तो जेई में इतना नहीं आता जे में इसके अप्लीकेशन आ जाते हैं मैं इसकी ड्रिफ्ट स्पीड दे देंगे कुछ करंट डेंसिटी निकालना है ना तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों तो ये था हमारा डेरिवेशन रिलेशन था करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड में रिलेशन तो अब यहाँ से इस रिलेशन को ये देख के समझ में आता है कि अगर करंट डेंसिटी अगर ज़्यादा हुई तो ड्रिफ्ट स्पीड भी क्या होगी बच्चों ज़्यादा होगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहे हैं एंड कॉन्स्टेंट है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट होता है जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट स्पीड है ना तो ध्यान रखना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये रिलेशन सो थैंक यू बच्चों